कहते हैं ना कि खुशियों को कब किसकी नजर लग जाए कोई नहीं कह सकता। कभी कभी लापरवाही से खुशियां मनाने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है, जिससे घर की खुशियां मातम में बदल जाती हैं। ऐसा ही एक मामला शाहजहांपुर में देखने को मिला, जहां एक तिलक समारोह में फायरिंग में निकली गोली ने दो किशोरों की जान ले ली। शाहजहांपुर के एक तिलक समारोह में उस समय हड़कंप मच गया जब हर्ष फायरिंग से निकली गोली समारोह में उपस्थित दो किशोरों को लग गई, जिसमें एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। देखिए, अल्लागंज थाना क्षेत्र का गाँव वजीरपुर है, इसमें एक तिलक का समारोह हो रहा था। उसमें फरुखाबाद से आए एक रिश्तेदार द्वारा अवैध से फायरिंग की गई, जिसके कारण एक लड़का घायल हो गया और दूसरा को ज़्यादा गंभीर चोट लगी और उसकी मृत्यु हुई। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है, जो अभियुक्त है, उसको मैं असलहे के अवैध असलहे की गिरफ्तार कर लिया है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आए दिन ऐसे मामले सामने आने के बावजूद ना ही शासन प्रशासन इस ओर कोई ठोस कदम उठा रहा है और ना ही लोग इन हादसों से सबक ले रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या खुशियों को जाहिर करने के लिए फायरिंग जरूरी है? टीवी 100 के लिए शाहजहांपुर से मौजिम की रिपोर्ट।